गुड डे स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट टू पेपर सेकंड का यूनिट वन का सेकंड चैप्टर पढ़ा रही थी। पिछले लेक्चर में हमने मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस लेक्चर में हम माध्यम मुक्त पथ की सहायता से गैसों में अभिगमन की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। अब गैसों के अभिगमन की घटनाओं का हमने कल संक्षेप में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसमें हमने तीन अभिगमन की घटनाएं करी थी। उसमें से प्रारंभिक अभिगमन की घटना कब उपस्थित होती है? जब किसी गैस की विभिन्न परतों का वेग अलग अलग होता है और उस वक्त उस घटना जो घटना जन्म लेती है वह घटना हमारी श्यानता कहलाती है। तो आज हम उसी अभिगमन की घटना को पढ़ेंगे और उससे संबंधित डेरिवेशन को करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर श्यानता पढ़ेंगे। श्यानता यानी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? गतिशील परतों के मध्य ठोसों की भांति एक घर्षण बल कार्य करता है जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है। तरल पदार्थों के इस गुण को श्यानता कहते हैं। यानी क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सॉलिड्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वैसे ही मूविंग लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है जो उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और इस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके कारण एक फोर्स लगता है जो कि मूवमेंट का विरोध करता है, एक बल कार्य करता है जो आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब ये बल किस पर निर्भर करता है, हम सबसे पहले उसका अध्ययन करते हैं। तो दो परतों के मध्य लगने वाले श्यान बल F, श्यान बल हम विस्कस फोर्स को कहते हैं जो दो परतों के मध्य लगता है, का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, द्रव परत के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर। यानी श्यान बल जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू लेयर्स के ऊपर निर्भर करता है। जितने दूरी तक वो कॉन्टैक्ट में है उतनी दूरी तक श्यान बल कार्यरत होता है। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। दूसरा हमारा है द्रव परतों के संपर्क तल की स्थिति पर वेग प्रवणता पर, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। दो परतें आपको दे रखी है, उन दोनों परतों के बीच में वेग में कितनी प्रवणता है, यानी वेग में कितना अंतर है, उसके ऊपर भी वो निर्भर करता है श्यान बल। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dz। प्रवणता हम क्या करते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन किसके सापेक्ष, दूरी के साथ। तो u अगर वेग है तो du by dz, अगर z दिशा में वेरिएशन का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब दोनों हमारे जो डिपेंडेंस है उनको हम साथ साथ लिख लेते हैं। तो दोनों फॉर्मूलों को साथ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A du by dz। तो प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हमने यूज़ किया है वो है नीटा, जिसको हम नाम देते हैं श्यानता गुणांक, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे कि, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की, यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिख रखा है। माइनस साइन इसलिए क्योंकि श्यान बल एक विरोधी बल है, वह गति का विरोध कर रहा है, इसलिए ये माइनस साइन आता है। तो परिभाषा देते समय हम नेगेटिव साइन को ड्रॉप करते हैं और मानते हैं मैथमेटिकली हम इसका गणितीय रूप में इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि यदि A बराबर एक हो, एकांक मतलब जो संपर्क तल का क्षेत्रफल है वो एकांक है, वेग प्रवणता du by dz जो है वो भी एकांक है, तो आपको पता है ऊपर वाले फॉर्मूले से F बराबर नीटा हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम कैसे परिभाषित करेंगे किसी द्रव का श्यानता गुणांक किसके बराबर हो रहा है, एक श्यान बल के बराबर हो रहा है। लेकिन परिस्थिति क्या होनी चाहिए, A का मान 1 होना चाहिए, du by dz का मान भी 1 होना चाहिए।
तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, किसी द्रव का श्यानता गुणांक इस द्रव के अंदर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य आवश्यक उस बाह्य बल के बराबर होता है जो परतों के मध्य एकांक वेव प्रवणता बनाए रखे। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू दैट फोर्स विच इज अप्लाइड बिटवीन द टू लेयर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट हैविंग यूनिट कॉन्टैक्ट एरिया एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू लेयर्स इज ऑल्सो यूनिटी। अब हम इसके अंदर अभिगमन की घटना का ये हमने श्यानता अलग से पढ़ ली। अब इसको हम माध्यम मुक्त के पथ के रूप में अभिगमन की घटना के रूप में पढ़ेंगे। तो हम इस अभिगमन की घटना, जब परतों में प्रवणता हो, विभिन्न गैस की परतों में प्रवणता हो, तो हम उसके अंदर ये मानते हैं कि एक परत जो है दूसरी परत का वेग बदलने का प्रयास करती रहती है। तेज चलने वाली परत उसको धीरे चलने वाली को तीव्र गति से चलाने का प्रयास करती है, और धीमे चलने वाली परत तीव्र चलने वाली को धीमा करने का प्रयास करती है। और इस अवरोध के कारण धीरे धीरे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी का अभिगमन होता है, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, वो हमारा होता है संवेग, मोमेंटम। मतलब इस प्रक्रिया में लगातार परतें ये कोशिश करती रहती है कि सभी परतों का वेग समान हो जाए, और इस समानता लाने के लिए जिस गुण का आदान प्रदान किया जाता है उसको हम संवेग कहते हैं। तो हम यहाँ संवेग का अभिगमन का अध्ययन करेंगे और उसकी सहायता से हम श्यानता का व्यंजक निकालेंगे। अब सबसे पहले हम इस चित्र की ओर देखते हैं। इस चित्र में हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखे हैं, जिसमें नीचे के जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो एक्स और वाई हैं, और जो ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है वो जेड अक्ष है। तो अब हमने इसमें माना कोई गैस ठोस क्षैतिज सतह पर एक्स वाई तल में बह रही है। अब मैंने तल को एक्स और वाई के रूप में माना है, तो इसमें गैस कोई ठोस सतह है उसमें बह रही है। तल के संपर्क में आने वाली परत का वेग शून्य होता है। अब सबसे नीचे वाली जो बिल्कुल जमीन के ठोस के संपर्क में है उसका वेग हम शून्य मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर अग्रसर करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसके गैस की जो अलग अलग परतें हैं उनका वेग बढ़ता जाएगा, किंतु इन परतों का वेग जेड अक्ष की दिशा में बढ़ने पर बढ़ता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हो कि जेड माइनस लैम्डा पर वेग अलग है, जेड पर अलग है, जेड प्लस लैम्डा पर अलग है। अतः जेड अक्ष की दिशा में वेग प्रवणता डी यू बाई डी जेड स्थित है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है जेड दिशा में वेग प्रवणता मौजूद है, और वेग प्रवणता हम डी यू बाई डी जेड से परिभाषित करते हैं। अब साम्यावस्था की स्थिति जब है तो अलग अलग परतों में अलग अलग वेग से चलती हुई दिखाई देती हैं आपको साम्यावस्था की स्थिति में। तो साम्यावस्था की स्थिति कब आती है, जब उसके अंदर कोई गुण का आदान प्रदान तो लगातार हो रहा है लेकिन उसकी जो मात्रा है वो फिक्स हो गई। अब इसके को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं, माना कोई गैस की परत ए है, ठीक है, सबसे पहले हमने ए परत ले ली, उसका हम मान रहे हैं कि वो यू वेग से चल रही है और वो सतह से जेड ऊंचाई पर उपस्थित है, ठीक है। माना कोई गैस की परत ए एक्स वाई तल से जेड दूरी पर स्थित है और वह यू वेग से चल रही है। अब इसी के ऊपर और नीचे दो परतें मान लेते हैं बी व सी, जो कि बी परत जो है वो ए के ऊपर है और सी परत ए के नीचे है। दोनों परतें ए से लैम्डा दूरी पर स्थित है, तो ऊपर वाली परत की दूरी क्या हो जाएगी, जेड प्लस लैम्डा सतह से, और सी की हो जाएगी जेड माइनस लैम्डा। अब ये हमने क्यों माना है, क्योंकि एक माध्यम मुक्त पथ की दूरी अगर हम तय नहीं करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस नहीं रखेंगे, तो वो आपस में टकराना शुरू कर देंगे और उनकी दिशा बदल जाएगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर
अणु बगैर टकराए जस्ट एक दूसरे को छू के रह सकते हैं। दोनों परतें ए से लैम्डा दूरी पर है, जिससे अणु बगैर टकराए ऊपर व नीचे की ओर जा सकते हैं। अब हम इसके अंदर क्या निकालना चाह रहे हैं? हमने ये कहा था कि इसके अंदर वेग का, संवेग का, अभिगमन की घटना का अध्ययन करेंगे हम इसके अंदर। तो इसके लिए अब हम कुछ चीज़ें मानते हैं। माना अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन कितनी है? स्मॉल एन है, ठीक है, प्रति एकांक। इसमें यहाँ पर शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। गैस के अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन में, एकांक आयतन में स्मॉल एन है। तो अब हम ये मानते हैं क्योंकि गैस के अंदर सभी अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, तो हम सरलता के लिए ये मान सकते हैं कि एक अक्ष में, मतलब तीनों अक्षों में गमन करने वाले जो अणु हैं वो बराबर होंगे। तो इस प्रकार अगर n अणु हैं तो तीनों दिशाओं में से एक दिशा में जाने वाले अणु कितने हो जाएंगे? n बटा तीन। अच्छा, अब हमें ये मालूम है प्रत्येक अक्ष के अंदर दो दिशाएं होती है, एक पॉजिटिव अक्ष की तरफ, एक नेगेटिव अक्ष की तरफ। तो केवल अगर हम पॉजिटिव अक्ष की बात करें तो उसमें गति करने वाले अणुओं की संख्या n बाय 6 हो जाएगी, और इसी प्रकार नेगेटिव जेड एक्सिस के में गति करने वाले अणुओं की संख्या n बटा 6 हो जाएगी। ये तो हमने एक दिशा, एक अक्ष में, एक दिशा में जाने वाले अणुओं की संख्या का मान निकाल लिया। परत बी व सी के अंदर जो वेग है वो हमारे, क्योंकि वेग प्रवणता उपस्थित है, तो कितना हो जाएगा? बी का जो वेग है वो हो जाएगा यू, तो ए का वेग था। इसमें लैम्डा दूरी पर बी परत स्थित है, तो लैम्डा इंटू डी यू बाई डी जेड हो जाएगा। तो वेग कितना हो जाएगा बी परत का? यू प्लस डी यू बाई डी जेड लैम्डा। इसी प्रकार सी परत का वेग क्या हो जाएगा? क्योंकि वो नीचे है, तो u माइनस डी यू बाई डी लैम्डा जेड हो जाएगा। अब हम कुछ चीज़ें और मानते हैं। माना m जो है वो प्रत्येक अणु का द्रव्यमान है, और CRMS जो है वो प्रत्येक अणु का माध्य मूल वेग है। CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। ये चीज़ें हमने अज्यूम कर ली, तो क्या होगा? परत ए के प्रति एकांक क्षेत्रफल को एक सेकंड में नीचे की ओर पार करने वालों की वाले अणुओं की संख्या हमें निकालनी है। तो क्या निकाल रहे हैं हम? परत ए के प्रति एकांक क्षेत्रफल को एक सेकंड में नीचे की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या निकालनी है। तो हमने क्या करा है? एकांक क्षेत्रफल ले लिया, एक सेकंड ले लिया, तो हमारे पास अणुओं की संख्या प्रति एकांक आयतन में कितनी थी? n बाय 6 थी। तो प्रति एकांक क्या करा है? इसके अंदर एकांक क्षेत्रफल मान लिया, और जो दूरी है वो दूरी क्या है? दूरी हमारे भाई जो ये प्रति एकांक आयतन है, तो आयतन का मान कितना होगा? आयतन का मान होगा एरिया इंटू डिस्टेंस, क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो क्षेत्रफल तो हमने एकांक मान लिया, तो आयतन में से ए तो हमारा वन हो गया, और दूरी हम क्योंकि प्रति सेकंड निकाल रहे हैं, तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? उसके CRMS के बराबर हो जाएगी। CRMS इंटू टी होता है ना, तो टी को वन कर दिया, तो दूरी और CRMS बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार n बाय 6 प्रति एकांक आयतन में जो अणु है वो हमारे अगर हम प्रति एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड में निकालें तो अणुओं की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? n बाय 6 इंटू CRMS। अच्छा, अब हमारे इसके अंदर, क्योंकि अब देखो असल में हो क्या रहा है, ए जो है, सी जो है वो सबसे धीमे चल रही है, ए उससे तेज चल रही है, बी सबसे तेज चल रही है, तो जो बी है वो ए को अपना संवेग स्थानांतरित करेगी। इसी प्रकार से ए जो है वो सी को अपना संवेग स्थानांतरित करेगी। तो सबसे पहले हम परत बी का अध्ययन करते हैं। परत बी में प्रत्येक अणु द्वारा स्थानांतरित संवेग, अब संवेग क्या होता है? m इंटू वी, तो यहाँ पर m u प्लस डी यू बाई डी जेड लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, अब प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल में स्थानांतरित संवेग तो क्या हो जाएगा? क्योंकि आपके पास अणु, एक अणु द्वारा स्थानांतरित संवेग इतना है,
तो एन बाय सिक्स सी आर एम एस अणु द्वारा स्थानांतरित संवेग कितना हो जाएगा, एन बाय सिक्स सी आर एम एस से गुणा हो जाएगा, तो कुल स्थानांतरीय संवेग कितना हो गया, एन बाय सिक्स एम सी आर एम एस यू प्लस डी यू बाय डी जेड लेमडा। इसी प्रकार अगर हम परत सी की बात करें तो प्रत्येक सी परत सी में प्रति एकांक क्षेत्रफल में परत सी द्वारा स्थानांतरीय संवेग क्या हो जाएगा, एन एम बाय सिक्स सी आर एम एस यू माइनस डी यू बाय डी जेड लेमडा। अब क्योंकि बी ए को देता है, ए सी को देता है, तो कुल संवेग में परिवर्तन जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये तो ग्रहण किया गया है, पहला वाला हिस्सा तो ग्रहण किया गया और दूसरा वाला हिस्सा दिया गया, तो उन दोनों का अंतर तो हमने माइनस कर दिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, संवेग में परिवर्तन 1/3 एम एन सी आर एम एस डी यू बाय डी जेड इंटू लेमडा। हमें पता है कि अब ये हमारे पास क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन। अब हमने न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ रखा है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो संवेग में प्रति एक जो बल होता है कि कार्यरत बल, वो हमारा डी पी बाई डी टी होता है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब हमने जो परिवर्तन जो समय है वो तो हमने ले लिया एकांक, तो जो जो बल है वो किसके बराबर होगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, यानी डी पी के बराबर होगा अगर डी टी का मान ज़ीरो है। तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर 1/3 एम एन सी आर एम एस डी यू बाई डी जेड इंटू लेमडा। तो ये हमारा क्या आ गया, जब भी संवेग में परिवर्तन हो रहा है विभिन्न परतों के मध्य, तो उनके बीच में जो बल उत्पन्न हो रहा है वो हमारा एफ है। अब हमने ये अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब विभिन्न परतों में के में वेग प्रवणता उपस्थित हो तो एक शान बल जन्म लेता है, तो हमारा वो शान बल किसके बराबर था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसका सूत्र, हमने उसका सूत्र पढ़ा था एफ बराबर नीटा ए डी यू बाई डी जेड। अब अगर हम इसको एकांक क्षेत्रफल कर दें तो एफ क्या हो जाएगा, एफ बराबर नीटा डी यू बाई डी जेड। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर काम में ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एफ बराबर नीटा डी यू बाई डी जेड, जहाँ पर ए हमने वन ले लिया। अब क्योंकि ये भी शान बल है और ऊपर वाला जो डेरिवेशन है वो भी शान बल है, दोनों को हम बराबर कर देते हैं, बराबर करके हम नीटा का मान निकालेंगे, तो हमें नीटा का मान प्राप्त होता है 1/3 एम एन सी आर एम एस लेमडा, जो कि हमारा माध्य मुक्त पथ के रूप में शानता का व्यंजक है। हमें एक चीज़ और पता है कि अगर प्रति एकांक हम आयतन ले लें, प्रति हम एकांक आयतन ले लें, तो हमारा m इंटू एन, ये तो गैस का द्रव्यमान होता है, और एकांक आयतन है तो v वन हो जाएगा। तो घनत्व हम परिभाषित कर सकते हैं, हम घनत्व अगर रो लिखें तो रो क्या होता है, m अपॉन v, v का मान अगर वन हो तो m के बराबर होगा रो, और m है हमारा स्मॉल m इंटू एन के बराबर, तो हम इसकी जगह रो भी लिख सकते हैं। तो नीटा का सूत्र हो जाएगा 1/3 रो सी आर एम एस लेमडा, ये भी इसका एक सूत्र होता है। अब हमने पढ़ रखा है लेमडा किसके बराबर है, लेमडा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूला निकाला था 1/n पाई डी स्क्वायर के बराबर है, तो हम नीटा लेमडा का मान रख देते हैं। इस प्रकार हमें शांता गुणांक प्राप्त होता है 1/3 रो सी आर एम एस 1/n πd² तो ये हमने क्या करा है, किसी गैस के अंदर जब वेग प्रवणता पाई जाती है उसकी परतों में, गैस किसी गैस के विभिन्न परतों के मध्य वेग प्रवणता पाई जाती है, तो एक गुण का आदान प्रदान होता, एक गुण जन्म लेता है जो कि हमारा शांता की घटना कहलाती है, और ये शांता की घटना हमारे संवेग के अभिगमन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, संवेग भाई एक परत के पास अत्यधिक संवेग है, दूसरे के पास कम है, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देती है, और ट्रांसपोर्ट करने के कारण उसके अंदर एक शान बल जन्म लेता है, और इसी से शांता की घटना जन्म लेती है। इसके हमने पहला अभिगमन गैस के अभिगमन की घटना पढ़ी है।
अब इसी प्रकार से हम इसके अंदर दूसरे अभिगमन की घटना पढ़ सकते हैं, जिसमें कौन किसका अभिगमन होता है, ऊर्जा का अभिगमन होता है। तो ऊर्जा का अभिगमन की जो घटना है वो ऊष्मा चालकता की घटना का जो ऊष्मा ऊर्जा का अभिगमन है उससे हमारे जो घटना जन्म लेती है वो हमारी है ऊष्मा चालकता। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस ऊर्जा का अभिगमन करेंगे। इसमें हमने जो प्रारंभ में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने तीन अभिगमन की घटनाओं के बारे में बताया, उसमें से हमने पहली आज कर ली। अगली दो अभिगमन की घटना ऊर्जा का अभिगमन और घनत्व का अभिगमन, ये दोनों हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।